अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिद्धि एंड इस वीडियो में हम यूपीएससी बिगनर के बारे में बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या आपको करनी है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। एंड जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन अवर माइंड कि हमें कैसे क्या स्टार्ट करना है, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड वन पढ़नी है या न्यू वन पढ़नी है, या फिर और उनकी रीडिंग जो करनी है वो क्या सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, या फिर कुछ एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या सारी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है 6 to 12, या जब क्या हमें उनसे नोट्स बनाने की जरूरत है। There are lots of questions coming in our mind. So here we are going to discuss these type of questions. First question is that ki NCERT hame kyun padhni chahiye? Okay. So simply iska answer yahi hai ki agar hum direct standard book choose karte hain, firstly UPSC pe bahut different background se log aate hain. Zaruri nahi hai ki aap art background ke hi hain to aapke sare concept clear honge. Aapne geography padhi hogi, history padhi hogi. This is not necessary. तो आप बहुत सारे मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनको अपना एक बेसिक हमें क्लियर करने के लिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मान लीजिए अगर आर्ट का भी कोई बच्चा है तो क्या है कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उस टाइम बच्चों की तरह पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें जस्ट पास होने के लिए पढ़ना होता है। बट इस टाइम हम जब रीडिंग करते हैं तो हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं, हमें क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो डिफरेंस आई जाता है। आप स्कूल को ले लीजिए और अभी तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन प्रिपरेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि एनसीईआरटी बहुत सारी है, क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अगेन अगर आपके पास में टाइम बहुत है, अगर आप अभी 12th में है या आप अभी मतलब कॉलेज में है, कॉलेज की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, आप तब अपनी प्रिपरेशन की ये सोच रहे हैं तो दैट टाइम आप अपने न्यूज़पेपर पर स्टार्ट कर सकते हैं, दैट टाइम आप अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी उस टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप सिलेक्टिव रीडिंग मत करिए, वहां पे आप सारी एनसीईआरटी को प्रेफर करिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है और उनमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मतलब आपको जस्ट मार्क कर देना है जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है या फिर इम्पोर्टेंट लगती है, तो ऐसे आपको अपना मतलब ठीक है। तो और हाँ, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको सारी ही पढ़नी है और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है। एंड अगेन अगर आपके पास में टाइम बहुत कम है, आप फाइनल ईयर का आपके रिजल्ट आने वाला है, आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 2023-2024 में 2022 में देने वाले हैं, तो 2022 के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। बट स्टिल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक सेलेक्टिव रीडिंग की जरूरत है, वहां आप सारी एनसीईआरटी को पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। ओके, तो हाँ, हम लोग अपने जो भी वीडियोस रहेंगे तो उनमें बात करेंगे कि हमें क्या क्या एनसीईआरटी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि हमें एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है। सो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है अपनी, उसको ही प्रेफर करना है। बट लाइक ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसमें आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे जीएसटी हमारा पहले नहीं था, बट जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमें उसके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका इकोनॉमी का जो आपका न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का, आप उसमें न्यू एडिशन प्रेफर करिए, ज्योग्राफी में न्यू एडिशन प्रेफर करिए। बाकी आर्ट एंड कल्चर और ये सारी जो एनसीईआरटीज हैं, इनमें आप ओल्ड वन प्रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड या फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि इसमें सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, क्या हमें ऐसे नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अगेन आपका जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी उसके नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है इतनी, और आप उसी में जस्ट मार्क करके समझ सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आपको कैसे समझ आता है। लाइक मैंने जो ज्योग्राफी की, हाँ ज्योग्राफी में बोलूंगी कि ज्योग्राफी में आपको नोट्स बनाना मतलब बना लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब आप उसको सेकंड रीडिंग देंगे तब।
लाइक मेरी जो ज्योग्राफी की बुक है आप इसको देखिए, इसमें मतलब मैंने ये बीच में इस टाइप से आप हाईलाइट भी कर रखा है मैंने, मतलब इस टाइप से आप अपना कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका बर्डन कम हो जाता है। हाँ तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। ओके एंड एनसीईआरटी हमारी क्या डिजिटली अवेलेबल है या नहीं, क्या हमें एनसीईआरटी सारी ही परचेज करनी पड़ेगी, ये सारे भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस रहते हैं। तो यस एनसीईआरटी आपकी डिजिटली अवेलेबल है, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जिनको आपको परचेज करना मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप परचेज करिए उनको, क्योंकि बिना परचेज करे उसमें आप नोट्स वगैरह उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। लाइक ज्योग्राफी की तो आप डेफिनेटली आप उसको परचेज कर ही लीजिए 11th क्लास की जो है। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपको कैसे एनसीईआरटी को डाउनलोड करना है। आपको ncrt.nic.ebook आपके सामने आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। देन एनसीईआरटी की वेबसाइट, आपको एनसीईआरटी का पूरा ये पेज जो है खुल के आ जाएगा। देन आपको इस पर क्लिक करके फिर एनसीईआरटी का पूरा वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस पे आपको पीडीएफ पे क्लिक करना है, 1 to 12 लिखा हुआ है, तो मतलब आपके सारे क्लासेस की एनसीईआरटी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे जाकर इस पे क्लिक करके देन आपको ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसमें आपको अपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है, क्लास को मेंशन करना है। एंड आपका जो बुक है उसका जो मतलब कौन सी कि बुक का नाम क्या है आपको उसको मेंशन कर देना है। देन गो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में आप उसको चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप कंप्लीट बुक डाउनलोड करने का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इससे कंप्लीट बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये पूरा जो भी है आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो आपको परचेस करनी परचेस कीजिए, ई बुक से पढ़ना ई बुक से पढ़िए, इट्स टोटली अप टू यू। एंड दैट्स इट गाइस, ये हमारा पूरा जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं उससे मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चन आपके डाउट आपको क्लियर हुए होंगे। बट स्टिल यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट मी। एंड इसके अलावा जो सेलेक्टिव जो एनसीईआरटीज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।